अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मीडियन। मीडियन पहले हम देखेंगे अनग्रुप्ड डाटा में कैसे मीडियन निकालते हैं। अगर अनग्रुप्ड डाटा टेंथ में नहीं है, वो नाइन्थ में। अनग्रुप्ड डाटा अनग्रुप, सपोज एक एग्जाम्पल से मीडियन तो आपको पता है जो मिडल है। एक एग्जाम्पल एक देंगे, 1, 3, 5, 7 and 8 एक डाटा है, आपको निकालना है इसकी, इसका मीडियन निकालना है आपको। मीडियन कैसे निकालोगे, देखो कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5 दैट मीन्स ये ऑड नंबर्स टर्म्स है, ऑड नंबर्स याद रखना। इसकी जो फार्मूला होती है मीडियन निकालने की, वो होती है फार्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। मगर n जो है वो ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का फॉर्मूला ये याद रखना, ऑड नंबर, ऑड। अगर ऑड नंबर्स होंगे, ऑड टर्म्स होंगे तो मीडियन कैसे निकालते, देखो n प्लस वन ये इसकी फार्मूला है, ये इसकी फार्मूला है कैसे निकालते है? देखो n कितने, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव प्लस वन दैट इज टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 एंथ गो 3 मीडियन नहीं है, थर्ड टर्म इसके मीडियन है, थर्ड टर्म इसका मतलब है थर्ड टर्म दैट इज 1, 2, 3 तीसरी टर्म जो है वो 5 है, मीडियन है इसका 5, मीडियन जो है वो 5 है, क्योंकि हमें इससे निकला है, इससे हमें निकला है एंथ दैट मीन इसको कहते हैं थ एन प्लस वन डिवाइड बाई टू थ टर्म दैट इज थ टर्म, इसको बोलते हैं टी एच, टी एच से डिनोट करते हैं। तीसरी टर्म जो है वो इसके मीडियन है दैट इज 1, 2, 3 3 इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन जब ऑड नंबर्स होंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेरे पास 5 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5 इसको मीडियन निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, मगर टर्म्स क्या है, ऑड नंबर्स। जब ऑड नंबर्स टर्म्स होते हैं उसके जो फार्मूला होती है वो बोलते हैं एन प्लस वन डिवाइड बाई टू थ टर्म, थ टर्म याद रखना, थ टर्म। एन मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 थर्ड टर्म। जो इसकी थर्ड टर्म है, जो इसकी थर्ड टर्म है वही इसका मीडियन है। थर्ड टर्म क्या है, 1, 2, 3 दैट इज 3 पर कौन है, 5। इस क्वेश्चन का मीडियन 5 है, ये इजी है, कभी कभार आ सकता है, एक दो मार्क्स का आ सकता है, याद रखना मीडियन कैसे। मगर याद रखना ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला है, ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला है, ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला है थ टर्म, ये ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला है। अब हम देखेंगे जो इवन नंबर्स के लिए फार्मूला क्या है, इवन नंबर्स के लिए फार्मूला क्या है। देखो अगर आप सपोज इवन नंबर्स के लिए फार्मूला क्या है, इवन नंबर्स के लिए फार्मूला क्या है, देखो एक एग्जांपल लेंगे, सपोज 1, 5, 8, 9, 11, 13 ये इवन नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इज इवन नंबर। इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन क्या है याद रखना, जो n होगा यहां पर वो 6 होगा, क्योंकि 6 टर्म्स है, n मीनस 6 टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स। जो इसका फार्मूला है, इवन नंबर का फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए, वो फार्मूला होता है n बाई टू थ याद रखना, प्लस n बाई टू प्लस वन थ
term whole divided by 2, whole divided by 2 is equal to, देखो अब खुद ब खुद निकलेगा n, n means 6, 6 divided by 2 plus, तो यहां पर लिखना 6 divided by 2 plus 1 whole divided by 2, इसका मतलब है 6 divided by 2 that is 3, थ याद रखना plus 6 divided by 2 3 plus 1 थ whole divided by 2, इसका मतलब है is equal to थर्ड बोल सकते उसको प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू। देखो कैसे निकालते, थर्ड टर्म क्या है, देखो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कौन सी है, वन टू थ्री, थ्री इज थर्ड टर्म दैट इज एट, प्लस फोर्थ टर्म कौन सी है, देखो फोर्थ वन टू थ्री फोर्थ, फोर्थ टर्म नाइन है, डिवाइड करना है टू, वो क्या बन जाएगा 8 plus 9, that is 17, divided by 2. 17 को divide करो 2, वो बन जाएगा 8.5. इसका जो median आएगा, वो आएगा 8.5. That is, जो median है, इसका, वो आएगा 8.5. याद रखना. फिर से मैं repeat करता हूँ. जब even numbers terms होंगे, 6 टर्म्स या 8 टर्म्स या 4 टर्म्स या कोई भी इवन नंबर्स होंगे, n जो है वो 6 के बराबर है, जो मीडियन की फार्मूला होती है वहां पर इवन नंबर के, वो n डिवाइड बाय 2th प्लस n डिवाइड बाय 2 प्लस 1th होल डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2th एक्चुअली th है यहां पर, 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 1 इसका th डिवाइड बाय 2, 3 3 प्लस 1 दैट इज 4, थर्ड टर्म पर कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, that is 8. Fourth term में कौन सा number है? 1, 2, 3, 4, that is 9. 9, divide करो, 8.5 इसका, इस question का median है. इस question का median है. अब हम देखेंगे group data, जो आपको पढ़ना है 10th में. Group data में कैसे निकालते हैं? Median. Median कैसे निकालते हैं? Group data में. उसके लिए आप फार्मूला याद रखो, जो मेथड याद रखो वो याद रखो, मीडियन जो निकालते हैं वो निकालते हैं एल, मीडियन जो निकालते हैं वो निकालते हैं एल, एल प्लस n divided by 2 minus cumulative frequency, याद रखना cumulative frequency, whole divided by f, whole divided by f into nickel into h, मीडियन कैसे निकालते हैं, एल प्लस एन डिवाइड बाय 2 माइनस कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय एफ इनटू एच, ऐसे हम मीडियन निकालते हैं जब डाटा क्या होगा ग्रुप्ड, जब डाटा क्या होगा ग्रुप्ड। एक एग्जांपल थ्रू ये समझेंगे इसका मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या हो, एच तो आपको पता ही है, एल का भी पता है, मगर यहां पर मीडियन है वो मोड था, यहां पर मीडियन है। देखो कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लिख देंगे, वही जो हमने किया था मोड में वही एग्जांपल यहां पर देंगे, कैसे देखो एक टेबल एक ड्रा करेंगे, सपोज ये टेबल है, ये कॉलम्स है याद रखो, यहां पर लिखेंगे हम वही एग्जांपल देंगे फिर से रिपीट करेंगे, डेली एक्सपेंडिचर, यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी,
डेली एक्सपेंस क्या था वहां पर, 100 to 150 से लेकर 200 से लेकर 250 तक, वैसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 250 से लेकर 300 तक, और 300 से लेकर 350 तक। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 4, फ्रीक्वेंसी है 5, फ्रीक्वेंसी है 12, फ्रीक्वेंसी है 2, फ्रीक्वेंसी है 2, याद रखो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब हम पहले देखें कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, देखो जो पहला फ्रीक्वेंसी का नंबर है वो क्या है, 4। 4 को एज इट इज रहने दो, यहां पर जो भी नंबर होगा वो यहां पर होगा, ठीक है, इसकी कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, जो भी पहला नंबर होगा वो यहां पर लिखना है। अब क्या करना है, देखो अब जो 4 है उसको ऐड करना है 5 के साथ, दैट इज 4 + 5 वो बन जाएगा 9। इस 4 को इस 5 के साथ ऐड करना है, वो क्या मिलेगा, 9। अब इस 9 को इस 12 के साथ ऐड करना है, दैट इज 9 + 12 वो क्या बन जाएगा, 21। दिस इज 21। अब इस 21 को इस 2 के साथ ऐड करना है, वो बन जाएगा 23। अब इस 23 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे, 23 + 2 दैट इज 25। ये इसका कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 4 एज यूजुअल रहने तो 4, यहां पर एक्चुअली +0 लिखना है मगर हम डायरेक्टली 4 लिखेंगे। फिर 4 को 5 के साथ ऐड करना है, 4 + 5 = 9। फिर 9 को 12 के साथ ऐड करना, वो बन जाएगा 9 + 21। फिर 21 को 2 के साथ ऐड करना है, वो बन जाएगा 20। फिर 23 को 2 के साथ ऐड करना है, वो बन जाएगा 25। देखो जो यहां पर है ये फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल क्या है, इसका टोटल क्या है, टोटल हम डिनोट करते हैं एन से, या समेशन ऑफ एफ आई भी यूज कर सकते हो आप, या समेशन ऑफ एफ आई या एफ यूज कर सकते हो। अगर यहां पर कितना है, देखो 4 + 5, देखो 12 2 2 दैट इज 16 + 4 दैट इज 20 + 5 दैट इज 25। जो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ही सेम होना चाहिए, ये इनका एड और ये 25, ये सेम होना चाहिए, फिर ये कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है। अगर ये डिफरेंट और ये डिफरेंट है, दैट मीन्स आपको कहीं पर जगह पर गड़बड़ हुआ है, वो ठीक करना। जो ये 25 और इनका सम वो 25 होना जरूरी है, दैट मीन्स इक्वल होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। गो होप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे एल का मतलब क्या है यहां पर, एल का मतलब क्या है यहां पर, एल का मतलब है यहां पर, देखो एल का मतलब है यहां पर लोअर लिमिट ऑफ, वहां पर मॉडल क्लास है, यहां पर मीडियन क्लास है, याद रखना मीडियन क्लास। अब आपको पहले मीडियन क्लास ढूंढना है, मीडियन क्लास क्या है वो ढूंढना है आपको पहले, मीडियन क्लास आपको पहले ढूंढना है। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं वही देखो, देखो मीडियन क्लास किससे ढूंढते हैं, मीडियन क्लास हम एन बाई टू से ढूंढते हैं, मीडियन क्लास हम एन बाई टू से ढूंढते हैं। एन बाई टू का मतलब क्या है, देखो एन बाई टू कैसे ढूंढते हैं, एन बाई टू से देखो, एन बाई टू, एन का मतलब है 25, 25 डिवाइड करो 2 के साथ, अब 25 को डिवाइड करो 2, वो बन जाएगा 12.5, जो इसका एन बाई टू है वो 12.5 निकला। मगर अगर आप कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे 12.5 कहीं जगह पर नहीं है, मगर 9 से बड़ा है, 9 से, दैट मीन्स वो 9 और 21 में बीच में आएगा कहीं जगह पर। और आपको ढूंढना क्या है एक्चुअली, मीडियन क्लास,
आपको ढूंढना है एक्चुअली मीडियन क्लास. कैसे ढूंढोगे? आप बोलोगे यहाँ पर होगा, यहाँ पर 12.5 है ही नहीं, मगर 9 से ज्यादा जो है, 9 से ज्यादा होगा और 21 से कम होगा. इस बीच में ये 12.5 होगा. आपको क्या देखना है? 12.5 से आगे जाना है. आगे 12.5 से आगे क्या आएगा? आप 21. 12.5 से आगे कौन सा नंबर आएगा? आप 21. 23 तो आएगा आएगा, मगर पहला नंबर कौन आएगा? 21. 21 जो है, इसका जो क्लास इंटरवल है, यही एक्चुअली मीडियन क्लास है. फिर से मैं रिपीट करता हूं, 9 से आगे आएगा 12.5, क्योंकि वो 9 से आगे, 9 से बड़ा है 12.5, मगर 12.5 से आगे जाना है हमें. 12.5 से बड़ा जो नंबर है, वो पहला नंबर 21, वही नंबर, उसका जो क्लास इंटरवल है, वही इसका मीडियन क्लास है. दैट मीन जो मीडियन क्लास है यहां पर, जो यहां पर मीडियन क्लास है, वो यहां पर क्या है? 200 to 250. याद रखना, 200 to 250. अब L ढूंढना है. L आपको पता ही है, L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. लोअर लिमिट कौन सा है? पर 200, दैट इज L इज 200. वहां पर मोड मॉडल क्लास था, यहां पर मीडियन क्लास है. याद रखना, मॉडल एंड मीडियन. ये समझ आया होगा? तो अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना. अब क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे हम F का मतलब क्या है. F का मतलब क्या है? देखो, अब तो निकालना है हमें चार बातें है इससे. अब क्या निकालना है हमें? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? क्यूम्युलेटिव, आप बोलोगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 है. नहीं, इस मीडियन क्लास की, इस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है, उसका फ्रीक्वेंसी है उसका ये, उसका अपर वर्ड, अपर जो नंबर है, दैट मीन्स उससे 21 से छोटा जो नंबर है, ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर ही 9 होगा. याद रखना, ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. यहां पर जब भी आप मीडियन क्लास निकालोगे, मीडियन क्लास का उसका क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मीडियन क्लास इंटरवल है, जो उसका ऊपर वाला इंटरवल होगा, यहां पर ऊपर ही मैं बोलूंगा, ये नीचे, यहां पर याद रखना, ऊपर वाला जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो है, ये जो है 9, यही क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ये जो 9 है, यही क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब आपको एफ ढूंढना है. एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी. एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी. देखो, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे आप? ढूंढोगे आप जो मीडियन क्लास है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12. यही एफ है, यही एफ है, यही एफ है. सारे निकले. तो अब एच ढूंढना है आपको. एच तो आपको पता ही है, एच मीन्स क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस 1, दैट इज अपर मीन्स 150 एंड लोअर मीन्स 100. दैट इज 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50. सारे वैल्यूज निकले. एच का वैल्यू भी निकला, एल का वैल्यू भी निकला, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकली, और एफ का वैल्यू भी निकला. अब एक मीडियन निकालना है. फिर से मैं बोलता हूं, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा मैं. आपको निकालना है एक्चुअली मीडियन. मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं इससे, इस चीज से. ये याद रखना क्या क्या निकालना है. एल निकालना है, एन बाई टू निकालना है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ निकालनी है, और एच निकालना है. पहले हम स्टेप बाई स्टेप निकालेंगे क्या मतलब होगा इसका. देखो क्वेश्चन पर देखो आप. पहले हम देखेंगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? 4. यहाँ पर 4 आएगा डायरेक्ट. जो यहाँ पर नंबर होगा वो यहाँ पर नंबर डायरेक्ट आएगा. एक्चुअली यहाँ पर प्लस 0 करना और वो 4 ही बन जाएगा. अगर 5 होगा 5, 6 होगा 6, 7 होगा 7. फिर आपको निकला इसको इसको साथ ऐड करो, 4 + 5 9 बन जाएगा. फिर 9 और 12 को ऐड करो, वो बनेगा 9 + 12 = 21. फिर 21 और 2 को ऐड करो, वो बनेगा 23. फिर 23 को 2 के साथ ऐड करो, बनेगा 20. ये नंबर, ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टोटल वो सेम होना चाहिए. अगर ये डिफरेंट है फिर आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत है, या ऐड गलत है, दोनों में एक चीज गलत होगा. ये और ये सेम होना चाहिए, ये याद रखना. फिनिश अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब देखेंगे एल का मतलब क्या है. एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. यहाँ पर मोड मॉडल क्लास नहीं है, यहाँ पर मीडियन क्लास है. मगर मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास निकालते हैं एन बाई टू से. याद रखना, एन बाई टू,
एन बाई टू इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई टू, क्योंकि एन का मतलब है 25, वो निकला 12.5। मगर 12.5 तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, मगर आपको पता है वो 9 से बड़ा है, वो 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, दैट मीन 21 से छोटा है। इनके बीच में आएगा ये नंबर, दैट इज यहां पर आएगा ये नंबर, मगर उससे आगे कौन सा नंबर है? अगर आप 12.5 हो फिर 12 क्या जाओगे, 12.5 से बड़ा नंबर कौन है? 21 जो है वही उसका जो इंटरवल है वही उसका मीडियन क्लास है, यह याद रखना, वही उसका मीडियन क्लास है। दैट इज मीडियन क्लास कौन सा निकला? आप 200 to 250, मैंने मीडियन क्लास लिखा यहां पर। उसका जो एल आएगा लोअर लिमिट, उसका लोअर लिमिट है 200। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो जो मीडियन क्लास है उसका जो ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसका जो ऊपर वाला इंटरवल है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही उसका 9, वही उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर याद रखना। अब एफ निकालना है, एफ कैसे निकालो? एफ वही निकालना है जो यहां पर मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास कौन है? 200 to 250, वहां पर 12 इज एफ, एंड एच तो आपको पता है कैसे निकालते, ये वैल्यू आप पुट करेंगे उसी फार्मूला है में जो हमने लिखी है, उसी फार्मूला में जो हमने लिखी है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फार्मूला कैसे निकालते हैं मीडियन, यहां पर मीडियन एल प्लस एन बाई टू माइनस, शॉर्ट में लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय एफ इंट एच। अब देखो जो एल है वो 200 है, एल जो है वो 200 है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन बाई टू जो है, एन बाई टू यहां पर 12.5 है, वो यहां पर 12.5 निकलेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ, सीएफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? 9। इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं सीएफ 9, यहां पर आएगा 9 डिवाइड बाय एफ, एफ कौन सा है? एफ है फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो निकलेगा 12 इंटू जो एच है वो आपको पता है वो 50 है। अब सेटिस्फाई करो, ये आएगा 200 प्लस 12.5 में से 9 काट करो, वो बन जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू करो 50। अब देखो 200 प्लस मल्टीपल करो, 3.5 को मल्टीपल करो 50 के साथ, वो 150 फिर 25 दैट इज वो बन जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1, ये इसके साथ मल्टीपल है, ये इसके साथ मल्टीपल है, इज इक्वल टू 200 प्लस 175 डिवाइड करना है 12, वो 12 वन जा 14 दैट इज 14 पॉइंट कुछ वो निकलेगा वहां पर 200 प्लस 14.5 दैट इज 214.58। इसका आंसर है। होप ये समझ आया होगा, अगर किसी को डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका और एक वीडियो बना सकता हूँ। अब आपके होमवर्क क्या है, देखो जो एक्सरसाइज नंबर 14.2 है, जितने भी क्वेश्चन है चाहे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चाहे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितने भी क्वेश्चन है, अगर उसका मोड दिया हुआ तो मोड निकालो, अगर मीन भी दिया होगा तो मीन भी निकालो। मोड तो आपको पता है कैसे, मीन तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड से निकालो, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, या सिर्फ डिविजन मेथड से निकालो। पहले मोड निकालो अलग मेथड से, जो अब मैंने जो पहला लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 8 होगा उसमें मैंने मोड दिखाया है। मीन भी, मीन को आप तो पता ही है कैसे निकालते, पहले मोड निकालो उसके बाद मीन निकालो, मोड भी आएगा और मीन भी आएगा, डायरेक्ट मेथड करो, ज़ूम इन मेथड को जो भी पता है। और जो 14.3 है जो भी वहां पर क्वेश्चन होगा उसको मोड भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है, याद रखना। मोड भी निकालो जैसे निकालते हैं, मीन जैसे निकालते हैं और मीडियन जैसे निकालते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। होप समझ आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक क्लास दूंगा।